मंत्री रविंद्र चौबे ने आशा जताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के चावल की खुशबू अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महकेगी। इसके साथ ही यहां वन औषधियां जंगलों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचेंगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में परंपरागत उत्पादों की यहां पर निष्क्रियता और गुणवत्ता साथ साथ उत्कृष्टता की तारीफ करते हुए इनके माध्यम से पूरी दुनिया को लाभ देने का बल दिया। छत्तीसगढ़ सरकार शुरू से कहती आई है कि जो छत्तीसगढ़ की चीजें हैं उसकी पहचान बने, और इसी दिशा में जो छत्तीसगढ़ के एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, उसमें एक बायर्स और सेलर्स के बीच में सम्मेलन करने जा रही है। 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा। हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चौबे जी, क्या कुछ ये कार्यक्रम है और क्या इसका मोटिव है? मोटिव का केवल एक ही है कि हमारे किसानों को पर्याप्त कीमत मिले, उसको मूल्य मिले, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले। और वो बाजार अगर मिलेगा, क्रेता विदेश से आएंगे, तो निश्चित रूप से किसान जो उत्पाद करते हैं उसको और बेहतर कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। और सौभाग्य है कि हमारे इस सम्मेलन में लगभग 20 विदेशी क्रेता भी आए हुए हैं और 60 विदेशी कंपनियों का आगमन लगभग हो चुका है। तो पहली ही चरण में अगर इतने लोग छत्तीसगढ़ के उत्पाद को देखने आए हैं, और हमने ये व्यवस्था कर रखी कि हमारे जो किसान उत्पाद करेंगे वो सीधा उनके साथ इंटरेक्शन होगा, वो देखेंगे किस तरीके से हमारा ये प्रोड्यूस है और उनसे चर्चा करेंगे, उनको वाजिब मूल्य मिले, उनको पर्याप्त कीमत मिले। ये प्रयास है और प्रारंभिक तौर पर हमें लग रहा है कि हमारा ये प्रयास बेहद सफल होगा। इंटरेक्शन होना है, बातचीत होना है, एमओयू होना है, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, इसलिए लिमिटेड जो लोगों हैं उनको आमंत्रित किया गया है, लेकिन आपके माध्यम से सारा छत्तीसगढ़ इसको देख रहा है। और दूसरा, कल उनके एमओयू होंगे और चर्चा करेंगे, फील्ड विजिट करना चाहेंगे कि अगर ऑर्गेनिक खेती हो रही है तो कैसे खेती हो रही है उसको दिखाएंगे, और परसों ये हम आम लोगों के लिए खोलेंगे ताकि सब लोग जाने कि छत्तीसगढ़ में क्या शुरुआत हो रही है। आगे फ्यूचर जैसे एग्रीकल्चर को लेकर के, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी दुनिया भर में डिमांड है, चाहे वो राइस हो या फिर हमारे हैंडलूम्स हो, एक जो बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रही है, आप लोगों का भी विजन है, तो छत्तीसगढ़ में भी हम उस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये जितने बायर्स आए ना, वो मैक्सिमम जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए ही आए हैं, और जिन किसानों ने उसको तैयार किया हुआ है उसकी फील्ड विजिट खुद ये लोग करेंगे। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में ये इस दिशा में काफी पहल किया जा रहा है और आने वाले समय में और इसका विस्तार होगा, ताकि किसानों को मूल्य भी मिले, मार्केट भी मिले, वैल्यू भी मिले और वैल्यू एडिशन की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, जो बता रहे थे कि बायर्स और सेलर्स के बीच में ये एक संवाद का कार्यक्रम है, उनके बीच में इंटरेक्शन कराने का प्रोग्राम है। सरकार सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी कि विदेशी जो बायर्स हैं वो पहुंचे और छत्तीसगढ़ की जो सेलर्स हैं डायरेक्ट उनसे मिले, और उन जिस तरीके से वो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको जाकर के देखें कि किस तरीके से, आखिर कौन सी तकनीक से, किस तरीके से वो लोग उत्पाद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ रायपुर। केंद्र सरकार के द्वारा